देख सकते हो गाइस, अपने आप ये बॉटल फ्लोट कर रही हो, अभी उस साइड कुछ भी नहीं है, देख सकते हो ऊपर की साइड जा रहा है, वो भी अपने आप देख रहे हो। तो गाइस यही है पूरा किबलतेन, अरे इस्लाम में फर्स्ट मस्जिद यही थी, तभी देख सकते हैं हम लोग इसी। गाइस वेलकम टू दी चैनल। सर आज हम लोग का मदीना में कुछ थर्ड या फोर्थ दिन, इसका जो दिन है ना, अभी हम लोग मदीना को एक्सप्लोर करेंगे। जैसे आप लोग ने मक्का वाला ब्लॉग देखा होगा, थोड़ी बहुत जगह थे, सारी जगह को मैं एक ही ब्लॉग में कवर कर लूंगा। गाइस यहाँ पर होगा कुछ ऐसा कि हम लोग कार से जाएंगे और सारी चीजें एक्सप्लोर करेंगे, तो जो जो चीज मैं उतर के दिखा सकता हूँ वो सारी चीजें तो आप लोग को डैम श्योर दिखाऊंगा, बाकी का जो भी रहेगा मैं आप लोग को बता दूंगा। तो गाइस आप लोग ब्लॉग को देखो और इन्जॉय करो, तो अभी हम लोग होटल में है, अभी हम लोग निकलते हैं बाहर जाने के लिए। यार यहाँ पे देखो पूरा टैक्सी स्टैंड है, बट ये सारी चीज सारे टैक्सी मक्का जा रहे, बट हम लोग को जाना है यहाँ का घूमने के लिए। हम लोग वैसे ही मदीना में भी करेंगे, जो भी घूमे आप लोग को सारी चीज़ें बताऊंगा, तो देखते हैं अभी अगर टैक्सी मिलता है तो फिर निकलते जाने के लिए। और क्या लगता है, फाइनली टैक्सी मिल चुकी है, चलो अभी हम लोग बैठते और निकलते। बहुत ज़्यादा कड़क धूप है, कड़क धूप है, और ऊपर से ब्लैक पहना और ज़्यादा धूप को अट्रैक्ट करके मेरे ऊपर ही लेके आएगा। आप लोग जो सामने पहाड़ देख रहे हो ना, ऐसे जन्नत का पहाड़ बोला जाता है, बहुत बड़ा पहाड़ है। और अभी हम लोग इधर है, यहाँ पर शायद से कब्र वगैरह है हमारे नबी की, तो हम मैं उधर भी आप लोगों को जाके दिखाऊंगा। यहाँ से आप लोगों को जूम करके दिखा दो, देखो वहाँ पर लिखा हो, अभी पूरा पहाड़ उन्हीं का, और बहुत बड़े बड़े पहाड़ है यार, और नीचे डेवलप कर सिटी और ऊपर पहाड़। तो अभी चलो गाइस, अभी हम लोग उधर से थोड़ा करीब चल के वहाँ से देखते कि वहाँ पर क्या रहता है। इवन मेरे को भी नहीं पता है, बस लेके आ गए तो मैं पूछ पूछ के आप लोग को बता रहा हूँ, मेरे को वो बताए गए तो फिर मैंने वो भी आप लोग को बता दिया। तो फिलहाल अभी चलो हम लोग उधर खड़े रह के देखते उधर से क्या है वो पहाड़ पे। हाँ। तू जा मैं आता हूँ, ठीक है? आप चलो। गाइस अभी मैं यहाँ पर फिट कर रहा हूँ, मैं एक हाथ से पकड़ा, वरना आप लोगों को दिखाते कि इन लोग कैसे, जैसी मैं फेंक रहा हूँ वैसी आ रहे, बहुत ही काफी अच्छा सीनरी है गाइस। बस धूप है, वरना रात रहती तो और काफी अच्छा लगता। पता है गाइस जो यहाँ पर जो कब्र है, जो हमारे हुजूर की खिदमत क्या करते हैं, जिन्हें सहाबी कहा जाता है, यहाँ पर टोटल 70 सहाबियों की कब्र है, आप लोग देख सकते हो यहाँ से, मतलब पूरा जालिया वगैरह लगाया हुआ है। बस मैं आप लोग को यहाँ से बता रहा था, डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, तो आप लोग सिर्फ स्टिल यहाँ से देख लो। जब आप लोग विजिट करोगे ना, तो वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड पे भी आप लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हो अंदर आने से पहले। लोग एक चीज़ बोलता कि मैं बार बार ना मक्का और मदीना में कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो मेरे को पता है कि मैं शायद से पीछे बहुत बार बोल दिया हूँ मक्का को मदीना, मदीना को मक्का, तो फिर यार आप लोग थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्योंकि अभी भी मैं आया ना, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मदीना ही बोलूँ। तो अभी हम लोग फिलहाल कार में ही, और अभी हम लोग जाने वाले नेक्स्ट स्टॉप पर, जो भी हम लोग देखे थे उसके बारे में तो मैं आप लोग को बता दें जितना भी मेरे को पता था, और जैसे भी दूसरी जगह पर जाएंगे वो भी मैं आप लोग को बता दूंगा। ऐसी जगह पे आ गए जिसका नाम वादी जीन, और यहाँ पे आप लोग नाम सुने हैं कि यहाँ पर अगर पानी अगर हम लोग छोड़ते तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, मतलब ग्रेविटी नहीं है, ऐसा तो नहीं बोल सकते ग्रेविटी नहीं है, तो आप लोग को टेस्ट करूँगा, मतलब अगर हम लोग पानी का ढलांग भी छोड़ेंगे तो उसका दिशा ऊपर जाएगा, ना कि नीचे जाएगा, दिशा बोल जाए मतलब डायरेक्शन ऊपर जाएगा। तो अभी हम लोग उसको टेस्ट करके देखते हैं कि सच में होता है नहीं होता, क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट जो भी रहती है ना वो पीछे की ओर जाने लगती है यहाँ पे, तो चलो ट्राई करते और देखते। देख सकते हो गाइस अपने आप ये बॉटल फ्लोट कर रही हो, अभी उस साइड कुछ भी नहीं है, देख सकते हो मैजिक मैजिक मैजिक, यहाँ पर रियल वाली मैजिक चल रही है, सबको ही मतलब फोटो ले रहे। पानी का डायरेक्शन भी थोड़ा चेंज होता है, मैं आप लोगों को पानी का भी वो करके दिखाता हूँ कि पानी का डायरेक्शन कैसे रहता है। देख सकते हो गाइस पूरा ऊपर की साइड जा रहा है, वो भी अपने आप देख रहे हो, टोटली उस साइड जा रहा है। पानी थोड़ा कम है तो आप लोगों को दिखता नहीं होगा, बट आप लोगों को दिखता होगा सब, और एकदम फ्लैट सरफेस है, एकदम फ्लैट सरफेस है, बिल्कुल भी ढलांग नहीं, देख सकते हो पूरा उसी साइड जा रहा है। लिटरली सच में मैं ना ऐसा फर्स्ट टाइम देखा हूँ, मतलब आप लोग समझ सकते हो गाइस जो हमारा इस्लाम था बहुत ही मिस्टीरियस है, और बहुत सारी चीज़ अगर कुछ देखना है तो आप लोग अपने इस्लाम ज़रूर से पढ़ के देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा है। तो मैं भी आप लोग को दिखाया पानी का, और बॉटल तो देख ही रहे कैसा फ्लोट कर रहा है एकदम उस साइड, और पानी को तो आप लोग कैमरे में उतना जैसे कैप्चर नहीं हो पाता होगा, बट स्टिल मैंने आप लोग को दिखाने की कोशिश किया। और कार भी पता है अपने आप रिवर्स होने लगती है, और यहाँ पर भी उन्होंने वो भी ट्राई किए, मैं वो भी आप लोग को बताऊँगा, तभी आप लोग ने देख लिया यहाँ पे, तभी हम लोग चलते हैं अगले स्टॉप पे और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। गाइस अभी आप लोग ये देख सकते हो, इसका नाम है किबलतेन,
समझिएगा, जो हमारा पहला किबला था वो यहीं पर होता था, किबला तीन में, बट अभी जो है वो काबा के पास हम लोग का किबला। तो अभी आप लोग ये पूरा देख सकते हो, ही पूरा किबला तीन है, यहाँ से एंट्री भी है जाने के लिए। तो मैं आप लोग को अंदर से जाके अच्छे से थोड़ा अच्छे से बताता हूँ, शायद अंदर भी जाने के लिए अलाउड है या नहीं मेरे को नहीं पता, बट चलते और देखते। सबको पता है जो हमारा पहले किबला तो इधर था किबला तीन, बट जैसे जैसे हुकुम हुआ तो जो किबला था अभी वो मक्का के साइड हो चुका है। तो आप लोग पीछे देख सकते हैं, अभी मैं किबला तीन के पास ही खड़ा हूँ, आप लोग को और दूर से जाके इसको अच्छे से दिखा देता हूँ। तो गाइज यही है पूरा किबला तीन, माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, सकते हो। पहले के टाइम पे ना किबला इस साइड हुआ करता था, यहाँ पर सब नमाज पढ़ा करते थे, और अभी जो न्यू जैसा भी हुआ है किबला भी काबे के तरफ है। तो जब आप लोग यहाँ पे आओगे ना तो अंदर पूरा मॉस्क्यू टाइप के अंदर आप लोग नमाज भी पढ़ सकते हो, दोनों के लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए भी। जब आप लोग आओगे तो ज़रूर से विज़िट करना। फ़िलहाल चलो अभी हम लोग कार में चलते हैं, तीन प्लेस और बोल रहे हैं, शायद वो भी एक्सप्लोर करता तो मैं वो भी आप लोग को दिखा दूंगा। अभी मैं आप लोग को एक ऐसी मस्जिद दिखाने वाला हूँ, मतलब हमारे इस्लाम में फ़र्स्ट मस्जिद यही थी। तो अभी देख सकते हैं, अभी हम लोग इसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाएंगे, मतलब इतने खुश नसीब है यार हम कि हम इसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाएंगे। यार पहले मतलब ये पूरी जो मस्जिद थी ना ये पूरी मिट्टी की बनी हुई थी, बट अभी धीरे धीरे इसको पूरा पक्का कर दिया गया है, और पार्किंग ही इतनी बड़ी बनाई गई, कितने सारे लोग आते होंगे जी, आप लोग सोचो एक बार। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद है कुबा, और भी बहुत सारी चीजें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अंदर नमाज पढ़ ली, और मैंने आप लोगों को अंदर का व्यू दिखाया बट कुछ बोला नहीं, तो थोड़ा सिनेमैटिक क्लिप आप लोग देख लेना। तो अभी हम लोग चलते हैं कार में, और रात होने वाली है, सुबह से घूमते घूमते रात हो गई है, और चलते फिर अभी तो अभी हम लोग चलते हैं कार में, और फिर देखते अगली जगह कहीं जाना है या डायरेक्ट घर जाना है। देखो अभी मैंने सामान वगैरह तो ले लिया क्योंकि हम लोग मार्केट में थे। तो यार आज के व्लॉग में मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत जो भी सारी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें तो बता दिया। इस जगह कैसा था ना, मतलब हम लोग हर जगह पर उतरे ही थे, मक्के जैसा नहीं था कि गाड़ी में बैठ के देखे थे, जितनी भी जगह देखा मैंने आप लोगों को बता दिया। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, और आप लोगों को अच्छी लगी तो आप लोग क्या करना है, तो गाइस थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बहुत जल्द मिलेंगे एक और न्यू और बहुत ही फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक का आप लोग बने रहिएगा और देखते रहिएगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।